उत्तर प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण संतुलन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान केंद्र के अधिकारियों के साथ सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर राजा मोहन ने बताया कि चिड़ियाघर को और सुंदर बनाने के लिए बैठक की गई है तथा राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा चिड़ियाघर में पेड़ लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने कहा है कि रोड के किनारे पेड़ को अधिक संख्या में काटा जा रहा है, उसमें कम से कम पेड़ काटा जाए। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक, वन रक्षक, DFO तथा नगर निगम के अधिकारी सहित अन्य प्राणी उद्यान के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर H. राजा मोहन ने कहा, आपने यहाँ पे एक्चुअली मनाया तो ये तो पार्टी चाहिए बारिश का था आज मैंने और ये शुरुआत में हम लोग 154 से शुरू होंगी एक ही एक है उन्हें तो या तो देखें वो ले आ रहे हैं नया तो एक कारण सर जो भी हम ज़्यादा मास्क में वो कुछ आप जा रही है सर। वन मंत्री यहाँ पे आए सर, बैठक की सर किस संदर्भ में की? आज माननीय वन मंत्री जी आए थे, पूरा जू को लगभग अपने समय से निकाल करके 2-2.5 घंटे घुमाए। हम माननीय वन मंत्री जी को पूरा जू घूम दिखाया, उसमें 70 थिएटर पौधरोपण किया था और उनके हाथों से हम मछली को भी रिलीज किया गया है और माने वन मंदिर जी बहुत खुशी थे और हमको सुझाव भी किया जाएगा यहाँ पे और वृक्षारोपण करना है और ज़्यादा अधिक से अधिक पौधे वन का है उसमें कैंपस के अंदर लगवाना है ताकि जो भी यहाँ का टूरिस्ट विजिटर्स आ रहा है उनका वो सुविधा मिल जाएगा। उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे इस वृक्षारोपण में। इस साल और उसमें बारिश का सीजन में ज़्यादा पौध लगाएंगे और इसका ग्रीनरी बढ़ाएगी। सर बैठक की गई लेकिन चर्चा भी है कुछ? बैठक की गई, इसमें कहीं चर्चा हुआ था और जू के बारे में हुआ था और बाकी इस मंडल का मुख्य वन संरक्षण लोग आए थे, 2 वन संरक्षण लोग आए, कुछ DFO आए, वन निगम का अधिकारी आए थे। इसमें कई बिंदु हुआ था वो जो NHO और स्टेट हाईवे में किनारे पेड़ कट रहा है उसमें कम से कम पेड़ कटने के लिए वन मंत्री जी ने माननीय वन मंत्री जी ने आदेश किया गया है उसको बचत करके रखने के लिए और जो भी पेड़ काट रहा है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए भी योजना बनने के लिए अधिकारी लोगों का निर्देश किया गया था।